बाबा मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बैनर से बनी और रत्नाकर कुमार द्वारा प्रस्तुत फिल्म डार्लिंग की रिलीज डेट की घोषणा के साथ ही अब दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है। यह फिल्म इसी महीने के पहले हफ्ते में रिलीज होगी। इसके लिए तैयारियां जोर शोर पर है। इस बारे में फिल्म के निर्माता प्रदीप के शर्मा ने बताया कि डार्लिंग को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है, तो अब उन्हें इंतजार नहीं करवाएंगे। फिल्म बनकर रिलीज हो गई है, फिल्म बनकर तैयार है और फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो चुका है। अब हम फिल्म को इसी महीने यानी कि 7 जुलाई को रिलीज करने वाले हैं। प्रदीप के शर्मा ने कहा कि फिल्म का निर्माण भव्यता के साथ हुआ तो रिलीज भी भव्यता के साथ ही होगी। यह फिल्म भोजपुरी सिने प्रेमियों को मनोरंजन का एक नया नजरिया देगा। फिल्म के कई हाईलाइट्स है जिसमें कि बॉलीवुड एक्टर राहुल शर्मा की भोजपुरी पर्दे पर एंट्री, अक्षरा सिंह का पहली बार निर्देशक रजनीश मिश्रा के फिल्म में काम करना, मशहूर फिल्म मेकर रत्नाकर द्वारा फिल्म की प्रस्तुति, यूथ बेस्ड कथानक और साथ ही कई चीजें हैं जो फिल्म को रूटीन फिल्मों से अलग बनाती है। एक बार फिर से इस फिल्म के जरिए रजनीश मिश्रा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते नजर आएंगे। फिल्म डार्लिंग एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो दीवानगी की हदें क्रॉस कर देता है। यह फिल्म सबों को खासकर युवाओं को बेहद पसंद आने वाला है, इसलिए इसे जरूर सिनेमाघरों में जाकर देखना चाहिए। फिल्म बेहद अच्छी है। बता दें कि फिल्म डार्लिंग की को प्रोड्यूसर अनीता शर्मा है। फिल्म डार्लिंग में अक्षरा सिंह और राहुल शर्मा के साथ श्रुष्टि पाठक है और साथ ही अमित शुक्ला, संजय महानंद, रोहित सिंह मटरू और साथ ही सुजान सिंह मुख्य भूमिका में है। फिल्म का खूबसूरत गीत रजनीश मिश्रा, प्रफुल्ल तिवारी और संतोष उत्पाती का है। म्यूजिक रजनीश मिश्रा ने दिया है। पीआरओ प्रमोद पांडे हैं और पीआरओ रंजन सिन्हा है। एडिटर कोमल वर्मा है और एक्शन दिलीप यादव का है। कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी और संजीव शर्मा ने की है। फिल्म का म्यूजिक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के पास सुरक्षित है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि बाबा मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बैनर से बनी और रत्नाकर कुमार द्वारा प्रस्तुत फिल्म डार्लिंग की रिलीज डेट की घोषणा के साथ ही अब दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है। यह फिल्म इसी महीने के पहले हफ्ते में रिलीज होगी। इसके लिए तैयारियां जोर शोर पर है और इस बारे में फिल्म के निर्माता प्रदीप के शर्मा ने बताया कि डार्लिंग को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो अब उन्हें इंतजार नहीं करवाएंगे। फिल्म बनकर रिलीज हो गई है, फिल्म बनकर तैयार है और फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो चुका है। अब हम फिल्म को इसी महीने यानी कि 7 जुलाई को रिलीज करेंगे। और साथ ही प्रदीप के शर्मा का कहना है कि फिल्म का निर्माण भव्यता के साथ हुआ तो रिलीज भी बेहद भव्य होने वाली है। यह फिल्म भोजपुरी सिने प्रेमियों को मनोरंजन का एक नया नजरिया देगा। फिल्म के कई हाईलाइट्स है जिसमें कि बॉलीवुड एक्टर राहुल शर्मा की भोजपुरी पर्दे पर एंट्री, अक्षरा सिंह का पहली बार निर्देशक रजनीश मिश्रा के फिल्म में काम करना, मशहूर फिल्म मेकर रत्नाकर कुमार के द्वारा फिल्म की प्रस्तुति, यूथ बेस्ड कथानक और साथ ही और भी कई चीजें हैं जो फिल्म को रूटीन फिल्मों से बेहद अलग बनाती है। एक बार फिर से इस फिल्म के जरिए रजनीश मिश्रा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते नजर आएंगे। इसलिए एक बार आप सिनेमा हॉल जरूर जाइए और उस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि आपको मजा आने वाला है।